वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 100 डिफिकल्ट अनकॉमन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो आपके एक्सपेक्टेड हैं कि सीजीएल 2018 एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका टायर वन का एग्जाम है चाहे टायर टू का है। तो एक ही वीडियो के अंदर, इसी सिंगल वीडियो के अंदर हम 101 वर्ड जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन जो है शुरू करते हैं। तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है सीजीएल एस्पायरेंट्स के लिए, जो खासकर 2018 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा वन वर्ड है फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का डर को क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। असफल होने का डर इसे बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग एक नोट कर लीजिए, काफी अजीब सी स्पेलिंग है, ATYCHIPHOBIA, टिचीफोबिया, ठीक है, ये इसे शुरू होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों की हत्यारा आप इसको कह सकते हैं हिंदी में, पक्षियों की हत्या करने वाला, उसे बोलते हैं एविसाइड, AVICIDE, एविसाइड। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, जो स्पाइडर्स मकड़ी, स्कॉर्पियंस बिच्छू की हत्या करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो उसे बोलते हैं आर्केनिजाइड, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एन एक्स्ट्रावेजेंट पैशन फॉर फ्लावर, ये भी बहुत ही अच्छा जो है वन वर्ड है आपके लिए, फूल संग्रह करने का जिसको शौक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा है, उसे बोलते हैं एंथोमेनिया, एंथोमेनिया। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, अकेले होने का डर को क्या बोला जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, इसे बोला जाता है एनुप्टेफोबिया, एनुप्टेफोबिया, ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फियर ऑफ लाइटनिंग ऑफ थंडर, जो बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, उससे जो व्यक्ति डरता है, ठीक है, उसका जो डर होता है बिजली चमकने का, कड़कने का, उसे हम बोलते हैं एरिस्टोफोबिया, एस्ट्रेओफोबिया, हाँ ये नोट कर लीजिए, एस्ट्रेओफोबिया, स्पेलिंग नोट कर लीजिए ASTRAOPHOBIA। नेक्स्ट है डिसलाइक ऑफ फियर ऑफ और हेट्रेड टुवार्ड्स इंग्लिश, इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल, जो इंग्लैंड, इंग्लैंड से या फिर मैं कहूँ इंग्लैंड के लोगों से नफरत करता है, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं करता, या फियर ऑफ उनका कह लीजिए आप, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया, ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अब फोबिया ऑफ पेन को क्या बोला जाएगा, दर्द होने का डर, उसे बोला जाता है एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया। नेक्स्ट है ए पॉलिसी और अ सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड और रेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है अपार्थेड, जी हाँ अपार्थेड, नोट कर लीजिए इसे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी इन रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेरेब्रल हेमोरेज और स्ट्रोक, उसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी, अपोर्थेड हमने कर लिया, अपोर्थेड जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रंगभेद की नीति। नेक्स्ट था हमारा क्या था, एपोप्लेक्सी, जी हाँ एपोप्लेक्सी, अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी इन रिजल्टिंग फ्रॉम सेरेब्रल हेमोरेज और स्ट्रोक, उसे बोला जाता है एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी को हिंदी में हम बोलते हैं मूर्छा की बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट है अ फ्लावर विच इज स्टार शेप्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो फूल जिनकी शेप जो होती है तारों की तरह होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एस्टर, ASTER, एस्टर हिंदी में बोलते हैं, जिसे तारक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, आगजनी करने वाला जो व्यक्ति होता है
उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्सोनिस्ट। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, जो डाकू होते हैं उनकी गैंग का जो मेंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक जो आपका सीजीएल 2017 का टायर 2 था उसमें भी ये पूछा गया था, उसे हम बोलते हैं ब्रिगेंड, बी आर आई जी ए एन डी, जी हाँ ब्रिगेंड, डाकू आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अ शेडी प्लेस अंडर ट्री, ये भी जो है सीजीएल 2017 टायर 2 में पूछा गया था, शेडी प्लेस अंडर ट्री, जिसे हिंदी में हम निकुंज बोलते हैं, लता मंडप बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोवर, बी ओ डब्ल्यू ई आर, बोवर। नेक्स्ट है अ वेन बॉस्टिंग फेलो, अ वेन बॉस्टिंग फेलो, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है ब्रैगर्ट, ब्रैगर्ट, बी आर ए डबल जी ए आर टी, दम्भी, जिसे इंग्लिश में सॉरी हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट है अ वाइल्ड और हाफ ट्रेंड बुल और हॉर्स, वाइल्ड जंगली बुल या फिर हॉर्स जो कि क्या हो हाफ ट्रेंड हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रोंको, जी हाँ ब्रोंको। नेक्स्ट है स्मॉल टाउन विद इन अ टाउन विद इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल, उसे क्या बोला जाता है, स्मॉल टाउन विद इन अ टाउन विद इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल, शहर के भीतर छोटा शहर जिसकी अपनी गवर्निंग काउंसिल होती है उसे हम बोलते हैं बोरो, बी ओ आर ओ यू जी एच, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अ पर्सन हु होल्ड स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी, क्या बोला जाएगा उसे, अ पर्सन हु होल्ड स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी, उसे बोला जाता है बर्सर, बी यू आर एस ए आर, बर्सर। अ रिच क्रीमी सूप टिपिकली मेड विद शेलफिश, क्या बोला जाता है उसे, उसे बोला जाता है बिस्क्यू, बी आई एस क्यू यू ई, एक प्रकार का सूप होता है ये। नेक्स्ट है स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है चैपल, गिरजाघर जिसे हम बोलते हैं, सी एच ए पी ई एल। नेक्स्ट है कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्री, शहर राज्य हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्डोमिनियम, कॉन्डोमिनियम, सी ओ एन डी ओ एम आई एन यू एम। नेक्स्ट अ मैन हूज वाइफ इज अनफेथफुल टू हिम, कुल्ट पति जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, इसके इंग्लिश में बोलते हैं कुकोल्ड, सी यू सी के ओ एल डी। नेक्स्ट एबनॉर्मल लवर ऑफ डॉग, कुत्तों से प्यार करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोमेनिया, कुत्तों से प्यार, साइनोमेनिया। नेक्स्ट है परफेक्ट इन प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट, यह भी इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमेट, सी ओ एन एस यू डबल एम ए टी ई, कंज्यूमेट। नेक्स्ट है फुल ऑफ शेयर्ड प्लेजर एंड फ्रेंडलीनेस, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं मिलनसार जो होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वीवियल, सी ओ एन वी आई वी आई एल, कन्वीवियल। नेक्स्ट है अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, बैड टेम्पर्ड जिसे जल्दी एकदम से गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति आप जिसे आप बोल सकते हो हिंदी में, उसे हम बोलते हैं कर्मठगियन, सी यू आर एम यू डी जी ई ओ एन। नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल ऑन इंटरेस्ट, स्वार्थी लोगों का दल आप जिसे बोल सकते हैं, कोटेरी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सी ओ टी ई आर आई ई, ये इसके जो है स्पेलिंग है। नेक्स्ट है टू मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन और स्लैंडर, किसी के बारे में ऐसी बातें कहना जो उसके जो है रेपुटेशन को डैमेज करती हैं, डिफेम करती हैं, किसी को डिफेम करने की कोशिश करना बातों के द्वारा, उसके बारे में बातें कहना, उसे हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं जैसे गलत आरोप हम किसी पे लगाते हैं, ठीक है, कॉलमनी, सी ए एल यू एम एन वाई, ये स्पेलिंग नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है अ लाइन ऑफ एनिमल्स और स्लेव फास्टन और ड्रिवन अलोंग टुगेदर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्लेव हैं इनको रस्सी से आपस में बांधा हुआ है और एक लाइन में जो ये चल रहे हैं सारे के सारे,
इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोफल, COFFLE। नेक्स्ट है अ रूरल ऑफ द वर्ल्ड, रूलर होगा बेसिकली, यहाँ पे रूरल नहीं होगा, रूलर ऑफ द वर्ल्ड, रूलर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को रूल करने वाला, उसे हम बोलते हैं कॉस्मोक्रेट, पूरी दुनिया का शासक, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक अवे समवन्स राइट टू वोट, किसी से उसका वोट अधिकार छीनना, ये आपका सीजीएल 2017 के टायर 2 में पूछा गया था, जिसे हम बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मताधिकार छीन लेना, हिंदी में इसका अनुवाद होगा। नेक्स्ट है डिग्निफाइड एंड सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सुंदर शिष्टाचार, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेकोरम, DECORUM, डेकोरम। नेक्स्ट है मेंटल डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय इलनेस, कोई बीमारी की वजह से जो है मेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चित्तभ्रम, जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसे बोलते हैं डेलीरियम, DELIRIUM। नेक्स्ट है नॉट टू बी कंसिडर सीरियस, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेरिसरी, DERISORY। नेक्स्ट है लाइबल टू एरर, लाइबल टू एरर को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है इर, ERR, भूल करना, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन, साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, मानव जाति विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं एथनोलॉजी, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। पर्सन हु रिलीज ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो व्यक्ति प्रयोग में विश्वास रखता है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में विश्वास रखता है, उसे हम बोलते हैं इंपायरिक, इंपायरिक, EMPIRIC, इंपायरिक। नेक्स्ट है विच इज नोन बाय फ्यू पर्सन, एक रहस्य आप जिसे कह सकते हैं, जो कुछ ही लोगों को पता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसोट्रिक, ESOTERIC, रहस्य जिसे सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। नेक्स्ट है एन एक्सपर्ट ऑन इविल स्पिरिट्स, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एक्सोक्रिस्ट, हाँ ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एक्सोक्रिस्ट, बुरी आत्माओं का जो विशेषज्ञ होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोक्रिस्ट। वन हु डील्स इन फ्रूट्स, जो फल बेचता है, फल बेचने वाला आप कह सकते हो, उसे हम बोलते हैं फ्रूटीरियर, फ्रूट टीरर, फ्रूट टीरर, TERER, एंड में ये आप नोट कर लीजिएगा सफिक्स। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग ऑफ, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अबंडेंस ऑफ स्प्रिंग और न्यू ग्रोथ फर्टाइल, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फिकंड, FECUND, फिकंड का हिंदी का मतलब होता है उपजाऊ, उर्वर। नेक्स्ट है अनलाइकली चांस अक्रेंस स्पेशली अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक, मतलब कि जिसे संयोग से आप कह लीजिए जीतना, किस्मत से जीत जाना, उसे हम बोलते हैं फ्लूक, FLUKE, फ्लूक। नेक्स्ट होता है टू ट्राई इन वाटर अटमोस्ट नॉट टू ड्रोन, डूबने से बचने का जो आप प्रयास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लाउंडर, FLOUNDER, फ्लाउंडर। नेक्स्ट है अ डीप साउंड मेड बाय समवन इन पेन, दर्द से करहाना जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोन, GROAN, ग्रोन। नेक्स्ट है ओपन स्पेस इन फॉरेस्ट, वन पथ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वन पथ, इसे बोला जाता है इंग्लिश में ग्लेड, GLADE, ग्लेड। अ मैन और बॉय हु अटेंड समवन ऑन हंटिंग और फिशिंग एक्सपेडिशन, जो किसी को, किसी के साथ हंटिंग पे या घूमे फिशिंग करने के लिए उसको ज्वाइन करता है या उसके साथ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गिली, GILLIE, शिकारी का साथ आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लिम्सी और पुअरली मेड बट डिसेप्टिवली अट्रैक्टिव, मीन्स हिंदी में यदि मैं बात करूं कि जो दिखने में आकर्षक हो परंतु खराब चीज हो, उसे क्या बोलेंगे,
उसे हम बोलेंगे गिम क्रैक, GIMCRACK, गिम क्रैक, दिखने में आकर्षक परंतु खराब चीज। नेक्स्ट है फ्लुएंट एंड इजी, ऑफन इन एन इनसिंसियर और डिसेप्टिव वे, मतलब हिंदी में बात करें जो बोलने में कुशल हो परंतु बेमानी से भरा हो, ऐसे व्यक्तियों के क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्तियों को बोलेंगे ग्लिब, GLIB, ग्लिब। नेक्स्ट है फ्लैट वेस्ट लैंड, और फ्लैट वेस्ट लैंड को क्या बोला जाता है, बोला जाता है हेथ, HEATH, हेथ। नेक्स्ट है सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, यहां पे देख सकते हैं जो हाथी के पेट पे जो सीट होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होदा, HODA, होदा, हाथी के पीठ की सवारी। नेक्स्ट है काउ दैट हैज नॉट ब्रेड, मतलब कि एक ऐसी गाय जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया हो उसे हम बोलते हैं हीफर, HEIFER, हीफर। अ स्ट्रिक्ट बॉसी और बेलीग्रेंट ओल्ड वुमन को क्या बोलेंगे, मींस कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया आप जिसे कह सकते हो उसे बोलते हैं हेरिडन, HARRIDAN, हेरिडन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अगेंस्ट ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली ड्रेसिंग, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है हिप्पी, हिप्पी। ये मैं आप, ये आपसे CGL 2017 के टायर 2 एग्जाम में पूछा गया था, हिप्पी। नेक्स्ट है सडन अटैक ऑन अनदर्स टेरिटरी, एक रेड भी आप जिसे बोल सकते हैं, एक अनदर जो इसकी डेफिनेशन है रेड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इन रोड, इन रोड, इसको नोट कर लीजिए आप, इन रोड। नेक्स्ट है टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, इसको क्या बोला जाएगा, टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, इसको बोला जाता है इनिमिकल, जी हाँ इनिमिकल। हिंदी में बोलते हैं इसको शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, एक ऐसा स्थान जहां पर ईंटों को पकाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं किल, KILN, किल। भट्ठा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है रूम विद टॉयलेट फैसिलिटी, ये भी अच्छा वन वर्ड है, रूम विद टॉयलेट, टॉयलेट फैसिलिटी, इसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रक्षालन कक्ष, इंग्लिश की बात करें तो लेवेटरी। A dissolute person, usually a man who is morally unrestrained, or a person, especially a man who freely indulges in sensual pleasure without regard to moral principle. ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है libertine. जी हाँ libertine. LIBERTINE. अनैतिक या व्यभिचारी व्यक्ति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। Customs and habits of a particular group. किसी भी समुदाय के रीति रिवाज, रिचुअल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोर्स, MORES, मोर्स, ये नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा वन वर्ड है मोर्स। नेक्स्ट है रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड, रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड मीन्स हास्यप्रद जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना, उसे बोलते हैं मैलप्रोपिज्म, MALAPROPISM। नेक्स्ट है अ सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है नर्ड, NERD, नर्ड मींस किसी खास क्षेत्र का विशेषज्ञ। नेक्स्ट है पर्टिकुलरली गुड, स्किलफुल, इफेक्टिव और स्टाइलिश, क्या बोला जाएगा इसे, इसे बोला जाता है निफ्टी, NIFTI, निफ्टी। निफ्टी को हिंदी में बोलते हैं कौशलपूर्ण, कौशलपूर्ण। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली, इसके लिए वन वर्ड कौन सा होगा, इसके लिए वन वर्ड है फिलाइन, जी हाँ रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली, उसे हम बोलते हैं फिलाइन, FELINE। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू और रिसेम्बलिंग शीप, जो भेड़ के जैसा दिखता हो या भेड़ से रिलेट करता हो उसे हम बोलते हैं ओवाइन, ओ वी आई एन ई, ओवाइन।
Next है the detailed study of shape and size of cranium as a supposed indication of character and mental abilities. जो हमारा स्कल होता है उसका अध्ययन करके व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में, मेंटल एबिलिटीज के बारे में बताना, ये आपसे सीजीएल 2017 के टायर 2 में पूछा गया था। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट है नेगोशिएशन बिटवीन एनिमीज। हाँ ये भी अच्छा है, नेगोशिएशन बिटवीन एनिमीज को क्या बोला जाता है? पार्ले, PARLEY, संधि वार्ता करना, विचार विमर्श करना जिसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद नोज, स्टडी ऑफ नोज एंड डिसीज ऑफ नोज। मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच जिसमें जो नाक होती है, ठीक है, उसकी डिसीज के अध्ययन करना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? राइनोलॉजी। राइनोलॉजी, RINOLOGY। नेक्स्ट है समवन हु स्पॉट्स अ पर्सन और समथिंग विदाउट थिंकिंग। ये अच्छा है, मीन्स कि बिना विचार किए समर्थन करने वाला, उसे हम बोलते हैं पार्टिसन, PARTISAN, पार्टिसन। नेक्स्ट है इनर मोस्ट फीलिंग, ये भी अच्छा वन वर्ड है, इसे हम बोलते हैं साइके, साइके, PSYCHE, गहरी भावनाएं जिसे आप बोल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है वन हु परसुएड समवन टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर बिलीफ, और अ पर्सन हु हैज कन्वर्टेड फ्रॉम वन ओपिनियन रिलीजन और पार्टी टू अनदर। मीन्स कह सकते हो किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए जोर देना, ऐसे को क्या बोला जाएगा? वन वर्ड इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वन वर्ड होगा प्रोसेलाइट, PROSELYTE, प्रोसेलाइट। नेक्स्ट है अ सेक्रेड सॉन्ग और हिम, और हाइम, या फिर मैं बात करूं अनदर डेफिनेशन की, अ सेक्रेड सॉन्ग और हाइम इन पर्टिकुलर एनी ऑफ दोज कंटेन्ड इन द बिबलिकल बुक ऑफ इस्लाम एंड कोज्ड इन क्रिश्चियन एंड ज्यूइश वर्शिप, उसे क्या बोला जाएगा बताइए? उसे बोला जाता है इस्लाम, सल्म, PSALM, सल्म। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी रिलीजन में विश्वास नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे पेगन, PAGN। नेक्स्ट है वन हु कोलैबोरेट विद एन एनिमी इनसाइड और आउटसाइड वन्स ओन कंट्री, देशद्रोही, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्विसलिंग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है QUISLING, क्विसलिंग। नेक्स्ट है टू डिसोन वंस बिलीफ, जो अपने ही बिलीफ को क्या देता है? त्याग देता है, डिसोन वंस बिलीफ, उसे बोलते हैं रिकेंट, RECANT, रिकेंट, अपने सिद्धांतों को त्यागने वाला। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ अटेंडेंट एंड सर्वेंट गोइंग विद अ पर्सन, जैसे कोई राजा जाता है या कोई नेता जाता है, उसके साथ जो व्यक्ति होते हैं, सर्वेंट्स जाते हैं एज अटेंडेंट, ग्रुप ऑफ अटेंडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिन्यू। जी हाँ, रेटिन्यू, RETINUE, सेवकों या फिर सहायकों का दल जिसे हम हिंदी में बात करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल आर एग्जीक्यूटेड, प्लेटफॉर्म जिसपे क्रिमिनलों को फांसी दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड, ये नोट कर लीजिए आप, फांसी का तख्ता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। वन हु प्रे अर्नेस्टली फॉर समथिंग, उसे क्या बोला जाएगा? इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? वन हु प्रे अर्नेस्टली फॉर समथिंग, जिसे हम हिंदी में बात करें मन से जो पूरा प्रार्थना करता है किसी चीज के लिए, उसे हम बोलते हैं सप्लिकेंट, SUPLICANT, सप्लिकेंट। वन हु लिव्स चीपली एंड स्पेंड लिटिल, साधारण जीवन जो जीता है और कम खर्चा करता है, उसे बोलते हैं स्क्रिम, SCRIMP, स्क्रिम। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ कटिंग ट्री एंड बशीज इनटू ऑर्नामेंटल शेप, यहाँ पर आप देख सकते हो जो है कैसे जो है ट्रीज को काटा गया है वेरियस शेप्स के अंदर, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टॉपियरी, TOPIARY, टॉपियरी, कर्तन कला। अ पर्सन हु पेज अ रेंट फॉर द यूज ऑफ रूम हाउस और लैंड, किराएदार जिसे हम बोलते हैं टेनेंट। नेक्स्ट है लॉन्ग हार्ड जर्नी स्पेशली ऑन फुट,
लॉन्ग हार्ड जर्नी स्पेशली ऑन फूट, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ट्रैक, TREK, ट्रैक, लंबी व थकाने वाली यात्रा। नेक्स्ट है बैरियर एट एंट्री ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे आप मेट्रो स्टेशन वगैरह पे जाते हो जहां पे आप कार्ड स्वाइप करते हो एंट्री के लिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टर्नस्टाइल। नेक्स्ट है ट्रैक डिजाइनिंग, डिजाइन फॉर साइकिलिंग, साइकिलिंग के लिए जो ट्रैक डिजाइन किया जाता है उसे हम बोलते हैं वेलोड्रोम, वेलोड्रोम। नेक्स्ट है सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीफ टू अदर, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाता है वॉल्ट फेस, वॉल्ट फेस। आकस्मिक परिवर्तन जिसे हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट है अ जॉकलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट, मस्खरा व्यक्ति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मस्खरा, वैग, WAG, वैग। नेक्स्ट है अ वॉक ऑफ किंग एटसेट्राज अमॉन्ग कॉमन पीपल टू मीट देम, ये भी अच्छा है, राजा के आम जनता से मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉक अबाउट। नेक्स्ट है अ सडन डिजायर और चेंज ऑफ माइंड स्पेशली वन दैट इज अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाता है विम, मनमोजी पूर्ण जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है लवर ऑफ वॉर, युद्ध प्रिय आप बोल सकते हैं, युद्ध प्रिय, उसे बोलते हैं हम वार मॉन्गर, ठीक है, वार मॉन्गर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, गवर्नमेंट बाय द बुरे लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी, इसको भी नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, मिलिट्री के द्वारा चलाया जाने वाला शासन उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोसाइड, मिलिट्री शासन। किलिंग ऑफ काओ, काओ की हत्या करने वाला, किलिंग ऑफ काओ, काओ को मारना, उसे हम बोलते हैं वैसीसाइड, VACCIDE, वैसीसाइड। और किलिंग ऑफ गोट्स की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हीरिसाइड, HIRICIDE, HIRICIDE, हीरिसाइड, किलिंग ऑफ गोट्स। नेक्स्ट होता है किलिंग ऑफ फ्रेंड, किलिंग ऑफ फ्रेंड को क्या बोला जाता है, MECIDE, MECIDE, AMICICIDE, MECIDE। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ कुलीज, कुली का जो ग्रुप होता है, समूह होता है कुलियों का, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्ट्रिंग्स, STRINGS, स्ट्रिंग्स। ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है, तो ये थे 100 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, शुक्रिया। और हाँ, कोई थोड़ी बहुत ही वर्ड्स एक दो बीच में आते हैं जिनकी प्रोनंसिएशन जो है सही नहीं हो पाती, तो ऐसे में उनके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है, थैंक यू।